ब्रो बहुत भीड़ है इसके ट्रेन जाने के लिए बहुत भीड़ है इधर बहुत भीड़ है तो गाइस सेक्टर 10 साइड पर पहुंच गए हैं बस माता रानी के पंडाल तक पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में लेकिन बहुत ज़्यादा यार बहुत ज़्यादा भीड़ है इस बार भी मतलब कि उम्मीद नहीं था मेरे को इतना ज़्यादा भीड़ रहेगा लेकिन कम ज़्यादा भीड़ है इस बार। नमस्कार दोस्तों कैसे हैं, फिर से स्वागत है शाहरुख जी यूट्यूब चैनल में। आज मैं सेक्टर 10 के दुर्गा पंडाल में हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड देख सकते हो, एकदम बहुत ही ज़्यादा क्राउड है एकदम। और अंदर चलते हैं, मैं दिखाता हूँ भाई, जो सब्सक्राइब नहीं किया बने रहो, 9:30 बज रहा है करीबन, दुर्गा पंडाल है। और जो सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब कर लेना यार, और शेयर जरूर करना, भूलना नहीं मेरे को, और 1000 सब्सक्राइब उठा पूरा करना, बने रहिए सर। बहुत ज़्यादा भीड़ है इस बार पंडाल में, सोचा नहीं था इससे ज़्यादा भीड़ रहेगा, इससे इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो माता रानी का पंडाल है, इस बार तो मना ही है वैसे सेम। चलिए अंदर चलते फोटो खींचते मांगे मातर मन में एक छोटा सा कोना माता एक छोटा सा कोना राति माते की जय कर्पूर गौरम करुणापारम संसार सारम मुझे भवानी सहितम नमामी मैं मैथिली मामी गौरी भवानी सबसे अच्छा व्हील तो यही है। बहुत ज़्यादा भीड़ है यार इस बार, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है इधर। कितने का यार एक स्टिक, सुना ब्रो कितने का एक स्टिक है, एक स्टिक कितना? लाइन में लगे हुए हैं, ये भी स्टार्ट हो गया है सुपर ब्रेक, ब्रेक डांस चालू नहीं हुआ अभी तक, ब्रेक डांस वैसी है। अच्छा मास्क तो लगाना चाहिए सबको, बिना मास्क के आएंगे तो क्या मतलब था? चौपाटी तो बैठा है मेजा, हमेशा की तरह दो पंडाल लगता है, पता नहीं कितना पंडाल लगा इस बार। अम्मा अटना लो, अम्मा जगह दे दो। चलिए एक साइड तो क्लियर हो गया, अब देखते हैं उधर है तो बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। इधर से आने का रास्ता लेकिन कोई मतलब नहीं था, इधर से आता तो खड़ा करना पड़ा आखिर में बाहर नहीं मेरे को। तो ये रहा सेकंड वाला माता रानी का, यहाँ भी लगा हुआ है यार, कितने कितने का यार, कितने कितने का भाई, कितने कितने का है, क्या क्या प्राइस स्टार्टिंग है? 10 रुपये से चालू है, 40 रुपये, 60 रुपये, कितना तक गया है आखिरी? 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये।
कितने वाला ब्रो? कितने का स्टार्टिंग, कितने है प्राइस? प्राइस 30 रुपए से स्टार्टिंग है। मेरा सेकंड, यहाँ देखते हैं यार, बहुत भीड़ है इधर भी, क्राउड तो बहुत ज्यादा है। कितने कितने का झालर है अम्मा? कितने कितने का झालर है? 150 150 150। सब 150 रुपए? ये भी 150 रुपए? मतलब मैं ही बेवकूफ बना यार, मार्केट में लिया तो 250 रुपए पड़ा था मेरे को झालर। लगा है चौपाटी भी लगा हुआ है, समोसा गुपचुप सब तो मिल ही रहा है, पता नहीं अंदर का क्या हाल है। वो चलते देखते, साइड से तो लगा है पता नहीं। 10 रुपए 10 रुपए, सब 10 रुपए। कोई सा भी 10 रुपए? बढ़िया है। सब 10 रुपए। यहाँ जेंट्स घुसने का नहीं है, सिर्फ लेडीज के लिए घुस सकते हैं। यहाँ भी अच्छा खासा भीड़ है यार, क्राउडी क्राउड है एकदम, खचपच 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 खचपच। कितने का शर्ट है स्टार्टिंग? शर्ट कितने का है? 500 के 3। 500 का 3। बढ़िया है। क्या धकेल रहे हैं भाई लोग, चलना जल्दी जल्दी। 500 का 3 टी शर्ट, वाह बढ़िया। वाले में आया घूमने के लिए। यहाँ भी लगी है किनारे में शॉप, पता नहीं क्या क्या चीज़ की। तो बाटी इधर है, क्या चीज़ का भाई इधर? वैसे ही जैसे सेक्टर वाले हम लोग खेल रहे थे यार। कितना रुपए का है यार? 20 रुपए। कितने बॉल? 6 बॉल। क्या चांसेस है, कितना चांसेस है जीतने का? कितना चांस है जीतने का? 30 रुपए में 6 बॉल। अरे यार बताएगा ना, आने से मिलेगा ना, भाई साहब ने 6 बॉल बोल रहे हैं, पता नहीं प्राइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये रहा AK-47। वहाँ पे अच्छे से प्लेट भी मिल रहे हैं, कम रेट में ज़्यादा रेट में भी प्लेट मिल जाएंगे आपको। कितने कितने का स्टार्टिंग प्लेट्स का रेट है? कितने कितने का स्टार्टिंग प्लेट है? सब अलग अलग है भाई। स्टार्टिंग क्या है, नीचे से क्या है, टॉप में लेस में? वीडियो बना रहे हो। स्टार्टिंग प्राइस क्या है लेस का, सबसे स्टार्टिंग प्राइस क्या है? 10 रुपए। 10 रुपए से कितना आखिरी? 10 रुपए से 550 रुपए तक है। 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक। कूलर भी लगा हुआ है यहाँ पे अच्छा खासा। कितने रुपए बॉल? 20 रुपए। अगर मारूंगा, अगर एक भी अटक रुक गया तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अंडा के पास जूती मिल रही है, नाक का कान का टॉप यही सब है यहाँ पे, जैसे सेक्टर 1 में था, देखे थे यार आप लोग भी। और क्या, लेडीज लोग का तो भीड़ लगा हुआ है, जेंट्स लोग तो सब गायब है यहाँ पे। कितना रुपए जोड़ी है भैया? स्टार्टिंग क्या है? 100 रुपए। कोई सी भी चार्ट हो 100 रुपए, मतलब कोई सी भी चार्ट हो 100 रुपए इसमें। वो कान का नाक का टॉप यही सब है, सेक्टर 1 सेक्टर 2 में जैसे था सेम वैसी। भीड़ तो देखो आसमान छूट रही है, भाई साहब खांस रहे हैं, मास्क लगा के चले। 300 की 100 की 400 की क्या है ये सब यार? ओहो मीठी सुपारी ये सब है, ये अच्छा नकली फल भी मिलते हैं यहाँ पे। ये नकली फल
ऐसे फल तो नकली है। कितने कितने का है? कितने का है? 200 का 12 है। 200 का 12, 20 का एक 17-18 हज़ार है। दो है। लेडीज लोग के पास भी है यार, यहाँ पे बहुत सारे। बहुत सारे पर्स है, फ्लावर कट सजाने का सामान, डेकोरेशन। पूछना पड़ेगा क्या क्या लेना है इधर आपको, रंगोली के आइटम्स। सिखा रहे हैं भाई साहब ने रंगोली कैसे बनाना है। सब जगह सेम है यार, सेक्टर 1 सेक्टर 2 का वैसी हाल है, सेम वैसी है, सेम एज इट इज। आई थिंक अमाउंट और रेट का फर्क होगा। क्या है ब्रो ये? ये सफाई के लिए कपड़ा आता है, किचन वगैरह साफ करने। कितने का है? 120 का एक, 200 के दो। एक पैकेट में कितना रहता है? एक पैकेट आएगा, एक पैकेट में दीवाना डेमो। जैसे घर में खाना बनता है ना, जैसे तेल अचार चटनी सबसे रोज का काम में गिरता रहता है, अगर आप किसी नॉर्मल कपड़े साफ करोगे गंदगी और फैलेगी, कपड़ा बाकी मारेगा। ये टॉवल ऐसा आता है ना, एक ही बार में पूरा डेस्क बंद हुए साफ कर देगा, गंदगी ट्रांसफर नहीं करेगा ना, सर पे लगाना है ना साफ। नॉर्मल से पानी में डालो हल्का, दूसरा करो सारी गंदगी सारा तेल चिपका ही पानी का। इसके अलावा बच्चे दूध कोल्ड ड्रिंक कॉफी पीते गिराते रहते हैं, नॉर्मल किसी कपड़े साफ उठाओगे पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये टॉवल ऐसा आता है जो एक ही बार में पूरे पानी को एब्जॉर्ब करेगा, और आज इसके आदमी से घुसू नहीं आते हमारी गंदगी ना चलेगा। किचन लगा यूज तक हुआ स्विच ऑन किया, डेली साफ कार साफ करना हो, पोछा लगाना हो, टी टेबल हो, डाइन टेबल हो, फर्नीचर हो, कुछ भी साफ करते हो। धूप में सुखाना नहीं है, किचन में रख रखे कार में रख रखे सूख जाएगा, तो उसको जैसे पानी में डालोगे ना कपड़ा रेडी हो जाएगा। तो 100 रुपये का एक आएगा, कपड़े चलेगा 2 से 2.5 साल, मार्केट में मिलता नहीं टावर। डेली यूज के लिए बहुत यूनिक और बहुत अच्छा कपड़ा आता है, अचार हो, हल्दी हो, चटनी हो, सब्जी हो, कड़ी हो, कोई बात नहीं आएगा। बढ़िया, एक नंबर। टॉप्स भी मिलते हैं यहाँ पे लेडीज को, तो बढ़िया है। ओह खिलौना बच्चे लोग का, ये सबसे जरूरी चीज भाई, ये नहीं रहा तो मार्केट में गौनक कहाँ से। घुसने का क्या नहीं मिल रहा यहाँ पे। बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन वही सेम ऐसे गणेश जी का सामने था फ्रंट पे, सेम वैसी है, कोई चेंजेस नहीं है। चलो अंदर जाके देखते हैं माता रानी का। बहुत भीड़ है, एकदम अति ज्यादा भीड़ है, परेशानी हो रहा है यार, एकदम एंट्री करने में इतना भीड़ है कि बहुत अच्छी है। बड़ी बात है कि बिना मास्क के अंदर आने किसी को दे नहीं रहे, सबसे बड़ी बात ये है, वो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, ऐसे ही होना चाहिए। ये माता रानी का मतबा चलिए यहाँ से निकलते हैं, बहुत ज्यादा क्राउड है एकदम। माता रानी के दर्शन का कितना भीड़ है आप देख सकते हैं। चलिए आगे दिखाता हूँ मैं, वैसे
इतना ज़्यादा क्राउड सोचने में भी ज़्यादा नहीं मिलता यार, बहुत ज़्यादा क्राउड है एकदम। एनसीसी क्राउड सब यहाँ, एनसीसी क्राउड। चलो बढ़िया है, सेम ऐसे ही जैसे गणेश जी के पंडाल में था, आई थिंक निकला नहीं है, कंटिन्यूसली बना हुआ वैसे ही। और बच्चे लोग का खेलने का यार पार्क, एयर पार्क नहीं निकला, आई थिंक वही है सेम गणेश जी का जैसा। क्राउड तो है वैसे देखा जाए तो अकेले एंजॉय कर, हमारा ड्रैगन रोलर कोस्टर सबसे अच्छा नाम रखा हूँ मैं। ये है डांसिंग का, स्टार्ट तो हो गया यार, ब्रेक डांस। जाने के लिए कितना भीड़ लगा हुआ है, मेरे को बैठे हुए तो जमाना बीत चुका है, नहीं पता कब बैठा हूँ लास्ट टाइम। ना व्हील रेडी नहीं है, और टिकट का अलग अलग अमाउंट, बैठने के लिए तो सब है। अरे बच्चे लोग एरोप्लेन, ये तो चालू ही नहीं है अभी तक। कौन कौन खाया भाई, कमेंट जरूर करना। ये देख लीजिए कितना भीड़ है, सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा भीड़ है, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा भीड़ है। चलिए यार मैं निकलता हूँ, ऐसे ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है मेरा, ब्लॉग मेरा यहीं ख़त्म होता है यार। शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, जो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, और बने रहिए मेरे साथ।